जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी देर आज आपका पहला लेक्चर है ऑनलाइन, आप लोगों का इंतज़ार किया, अब ज्वाइन कर लिया बहुत सारे लोगों ने, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ टॉपिक के हवाले से ताकि ये स्क्रीन शेयर हो रही बेटे। एक बंदा आप में ना बोल दिया करे, बस जवाब दे दिया करे, सिर्फ यस एक सर, बंदा, हो रही है। बस हो एक रही है सर। बंदा, ठीक है, ओके। हाँ जी, हो रही है सर। बेटे आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर के हवाले से। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है अजीजम? जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं, एक को कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है और दूसरे को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जिस पर कंप्यूटर मुश्तमिल होता है। ये सेकंड चैप्टर है हमारा, इसको हम देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर को हम थर्ड चैप्टर में आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं कि हार्डवेयर वो तमाम फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वो तमाम अज्जा, वो तमाम पार्ट्स, वो तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और उसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सर, ये सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है। मेरा बेटा, हरूफ आम में समझने के लिए आम तौर पर हम इस टॉपिक के हवाले से एक मिसाल देते हैं कि इंसान का जिस्म जो है, इंसान का जो वजूद है, वो भी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक उसकी रूह और दूसरा उसका जस्ते खाकी, उसका वजूद, उसका जिस्म। तो इंसान का जो वजूद है वो हार्डवेयर है इंसान का, और उसके अंदर जो रूह है वो सॉफ्टवेयर है। जिस तरह दोनों का इंसान की बका के लिए होना लाजमो मलजूम है, इसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम की तकमील के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के मुकम्मल होने के लिए हार्डवेयर का होना और सॉफ्टवेयर का, दोनों का होना लाजमो मलजूम है। यस मेरे बच्चों, अगर हार्डवेयर नहीं होगा yes. तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकेगा, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं कर सकेगा। इसलिए दोनों का होना इंतहाई जरूरी है। हार्डवेयर के मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि उसमें कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आगे हम स्लाइड्स में इनके बारे में देखते हैं डिटेल में। उसके बाद आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये जो तमाम डिवाइसेस हैं सर, इन सब को जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ये सारी की सारी हमारा हार्डवेयर कहलाते हैं। आप एग्जांपल में देख लें, आप पूरा हार्डवेयर सिस्टम, जिसमें पूरा एक सिस्टम है, ये जो बाहर वाला हिस्सा आपको सिस्टम का नज़र आ रहा है, इसको हम केसेस कहते हैं, सिस्टम की केसिंग है। केसिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, या हल्का सा अगर आप देख भी लेते हैं तो यहाँ पे ये जितने एरो लगे हुए हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं, पावर सप्लाई इसके अंदर होती है, डीवीडी रोम इसके अंदर होती है, मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर और रैम
और ईजे वीजे सीजे कार्ड सारे लैन कार्ड वगैरह इसके साथ लगे होते हैं, ठीक है। सीपीयू इसके ऊपर अटैच होता है, उसका फैन लगा होता है उसको कूलिंग देने के लिए, रैम भी इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। वीडियो ग्राफिक ग्राफिक अडेप्टर लगा होता है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये इसके ऊपर लगी होती हैं जो इसको कंटेन करते हैं, ठीक है। साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है या फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं केसिंग के अंदर, ये भी हार्डवेयर कहलाती हैं कंप्यूटर का। और जो आपको बाहर माउस नज़र आ रहा है या कीबोर्ड नज़र आ रहा है या स्पीकर नज़र आ रहे हैं या मॉनिटर नज़र आ रहा है, इनको भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जिनको भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें हमारी हार्डवेयर कहलाती हैं, तमाम चीज़ें हमारी हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, उनको हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे वो डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, कारामत चीज हासिल करने के लिए, याद रखें डाटा हमेशा बेकार चीजों का नाम होता है, बेमानी चीजों का नाम होता है, बेमतलब चीजों का नाम होता है। डाटा रा फैक्ट्स ऑन फिगर होते हैं, डाटे से हम कोई भी मसले का हल नहीं निकाल सकते, डाटा बेमानी होता है। बेशक डाटा बड़ा अहम बड़ी अहम चीज का नाम है, लेकिन जब तक हम डाटे को प्रोसेस नहीं करते, कोई कारामद इंफॉर्मेशन गेट नहीं करते, उस वक्त तक डाटा जो है वो हमारे काम का नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर जो भी हम इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट का नाम देते हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, हर वो डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन कमांड, कीबोर्ड से हम देते हैं या माउस से हम क्लिक करते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शन ये काम करो ये काम करो, वो जो हमारा डाटा होगा और इंस्ट्रक्शन होगी वो क्या कहलाएंगी, इनपुट। और वो आलात जिनकी हेल्प से या जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ये हदायत देंगे, उन आलात को, उन कंपोनेंट्स को हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर माउस होता है, ठीक है। आगे टॉपिक आएगा इनपुट डिवाइसेस का डिटेल में, वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइट पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर इसकी मदद से। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को आप जानते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो 102 होती हैं, ये याद रख लें। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कीज़ की तादाद उसके ऊपर 102 होती है। उसके ऊपर कुछ अल्फाबेटिक कीज़ होती हैं, कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ फंक्शनल कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। इन सारी कीज़ को ऐसे ही टॉगल कीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह, इसको हम जब कीबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसके साथ जॉयस्टिक होता है जो गेम्स वगैरह के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसको भी इनपुट देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपका माइक्रोफोन जिससे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन आपका जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड, ये जैसे इसके ऊपर होता है लैपटॉप के ऊपर, जिससे आप चीज़ों को एरो को मूव करवा रहे होते हैं। ट्रैक बॉल आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होता है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा पिक्स लेने के लिए, डिजिटल तस्वीरें लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए, सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला इसके बाद सर आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की जब बात आती है तो हम इसमें सीपीयू को जिक्र करते हैं। सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। अगर हम कहें कि ये सबसे अहम तरीन हिस्सा है, इसमें कोई मजायका नहीं है। याद रख रहे हैं, कंप्यूटर इसके बगैर काम ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर सीपीयू के बगैर कभी भी काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसको उसका दिमाग भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है आउटपुट देना, ठीक है। ये हदायत को इंटरप्रेट करता है और उनका जवाब निकालता है, रिजल्ट निकालता है। यानी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी यही करता है, सारी प्रोसेसिंग यही करता है, ठीक है। ये इसके ऊपर आगे डिटेल में टॉपिक भी आएगा। फिलहाल तो आज इसका इंट्रोडक्शन था हार्डवेयर के हवाले से, इसलिए इसको शामिल किया। तो वहाँ पे हम सीपीयू के सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे, इसका पूरा साइकिल होता है, प्रोसेसिंग साइकिल, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन हिस्सा कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जितनी भी हदायत को इंटरप्रेट या एग्जीक्यूट करता है वो उसके ज़रिए से करता है। कंप्यूटर इसके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सर, इसके बाद आती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो सब हमारे सामने वो डिवाइसेस आती हैं जिन पर रिजल्ट निकलता है, यानी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। देखिए, पहली चीज क्या थी जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो डेटा है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर उसकी उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे अगर डेटा बेकार चीज़ है तो इंफॉर्मेशन कारामद चीज़ का नाम है। डेटा बेमानी चीज़ है तो इंफॉर्मेशन बामानी चीज़ का नाम है। डेटा के ऊपर हम तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तो इंफॉर्मेशन के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन मेरा बेटा हासिल डेटा से ही होती है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान की मालूमात की मलकियत हो सकती है, लेकिन जो डेटा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी की मलकियत होता है। नो डाउट डेटा अहम तरीन हिस्सा है। डेटा के बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन गैट नहीं की जा सकती, इसमें कोई शक नहीं है। तो डेटा प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने वो तमाम चीज़ें आती हैं कि जो प्रोसेस डेटा जो होता है, डेटा प्रोसेस जो डेटा होता है उसको भी हम इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जिनके ऊपर रिजल्ट आता है, प्रोसेस डेटा डिस्प्ले होता है, यानी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, यानी आउटपुट डिस्प्ले होती है, उन तमाम डिवाइसेस को, उन तमाम आलों को हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। दीज डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती हैं यूज़र के लिए, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास वेब कैम है, उसमें हमारे पास माइक्रोफोन है जिससे हमें आवाज़ आ रही होती है, उसमें हमारे पास मॉनिटर है जिसपे हमें सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं, उसमें हमारे पास स्पीकर हैं, उसमें हमारे पास प्रिंटर है, ठीक है। ये तमाम जो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आउटपुट डिस्प्ले हो रही होती है, इसको हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं, ठीक है। अगला है बेटा हमारा स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट जिन पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, या इंस्ट्रक्शंस को, या इवन दैट इंफॉर्मेशन को। अब देखें, डाटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट है हमारी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी आउटपुट है।
ठीक है, इन तमाम चीजों को जहां पर हम मुस्तकिल तौर पे स्टोर करते हैं उसको हम स्टोरेज का नाम देते हैं। ठीक है, ये तमाम नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है। सर आपकी आवाज निकली है राधे। आप बेटे इसको अपने उसको माइक को चेक करो, बाकियों को आवाज ठीक आ रही है, किसी ने मुझे कंप्लेन नहीं की। दोबारा हो सकता है सर इसके पास नेट प्रॉब्लम। हाँ ठीक है जी। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं सारी की सारी नॉन वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जब हम इसको अलहदा भी कर लें, पावर इनको देना छोड़ भी दें, तो इनके अंदर डाटा जो है वो फिर भी सेव रहता है, फिर भी इनके अंदर डाटा सेव रहता है। जैसे आपके मेमोरी कार्ड होता है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है, या आपकी पिन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क, ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों से आपका कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। ये तमाम की तमाम हार्डवेयर डिवाइस हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था छोटा सा। इसके हवाले से कोई बात आपने पूछनी है, कोई आपका सवाल है तो आप करें जी। एंड पे टाइम चल रहा है, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। क्लियर बेटे सारा कुछ? यस सर। क्लियर? यस सर। थैंक यू बेटा। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मेरी सर। कौन बोल रहा है? बात क्या करनी भाई तुम्हें? आप अपना नेट चेक करें। नेट कौन सा? 4G पैकेज लगाया हुआ है बेटा? सर वाईफाई। वाईफाई